बात ये बोला था शाम को, थोड़ी बात मैंने बोला था कि जो होशियार घर की माताएं हैं, है ना, वो अपन जब घर में मालिक नहीं है, घर मालिक नहीं है, ड्यूटी पर गया है, तो घर में आराम से टीवी देखो, मोबाइल में खुद बात करो भसर भसर, लेकिन दरवाजा बंद है घर के, घर के दरवाजा बंद है तो घर की माताएं हमारे सेफ्टी में हैं। अगर घर के दरवाजा खुला है तो नंबर दो का आदमी घर में जबरदस्ती घुस सकता है और कर भी कुछ नहीं पाओगी, नाक नाक नकवाटर नो चले जाई भाग जाई और तुम यहाँ चल रही हो लेगा लेगा। इसलिए घर के दरवाजा बंद होना चाहिए। अत्रि महाराज है नहीं, अनसुईया मैया आश्रम के अंदर हैं और तीनों देवता जाकर के नकली बाबा बन करके गेट पर जाकर आवाज लगाया, माधव विश्वास। तीनों देवता जाकर के आवाज लगाया, माता भिक्षाम देही। माता अनसुईया ने सोचा कोई महात्मा दरवाजे पर आ गए, जरा एक ही आवाज बढ़ाओ देखे का हाल। हे तीनों तीनों देवता आवाज लगाया, बस माता अनुसुईया ने सोचा कोई महात्मा द्वारे पर आए, तो माता अनुसुईया आई, भैया माताओं रात की सखिया में तुम्हारे घर में आदमी नहीं, तुम अकेले हो, अगर कोई दरवाजा खुंडी खटखटावे तो दरवाजा मत खोलना, पहले छत पर चढ़ जाओ, पहले परखाओ कल्लू आओ कि ढूंढे आओ, नगर तक अगर गांव आदमी है तो दरवाजा खोल दो और पता लगे बरेठी चौराहे पर का कोनो है, जींस पैंट वाला ना खोलो, खतरा कर सकता है। माता अनसुईया गई, दरवाजा धीरे से सटकाया, माता अनसुईया ने एक पल्ला दरवाजा खोल दिया, जब एक पल्ला खोल दिया तो एक बाबा दिखानो, तो माता अनसुईया ने दूसरा भी पल्ला खोल दिया, जब दूसरा भी पल्ला खोल दिया तो तीन महात्मा खड़े हैं और रो रहे हैं, भैया तीनों महात्मा रो रहे हैं और आए भगवान रो रहे हैं झूठ मूठ और आंसू बहा रहे हैं, रोने लगे तीनों साधु, मैया तीन दिन हो गए किसी माँ ने हमको भोजन नहीं दिया, तीन दिन अम्मा अम्मा का हाथ खोपड़ी खराब हो गए, किसी ने हमको खवाया पियाया नहीं, तीन दिन हो गए किसी ने भोजन नहीं दिया। माता अनसुईया सोचा लगी, वारे महात्मा चिंता ना करो, आइए आसन पर बैठिए, तीन दिन हो गए माँ किसी माँ का दिल नहीं पिघला, जिसने भोजन नहीं दिया, महात्मा लोगों बैठो मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। जब कहा भोजन कराऊंगी तब तो तीनों देवता ने विचार किया, कहा सही बात सती है कहा, तो माता अनसुईया जब बोली कि देवताओं में भोजन कराऊंगी, महात्मा लोगों आइए बैठिए, जो कुछ हमारे भोजन में तुमको कराऊंगी, तो तीनों देवता बोले, मैया भोजन तो मिलता रहा है लेकिन हमारा शर्त नहीं कोई कबूल कर रहा। माता अनसुईया ने कहा शर्त का है भाई, शर्त बताओ, वह शर्त का है, ज्यादा में ज्यादा चटनी मंगी हो, घी मंगी हो, और ज्यादा में ज्यादा कही हो कि हमका सलाद चाहे, और ज्यादा में ज्यादा कही हो कि हमका करमोक झलरा चाहे, जौन बते हो तो उन व्यवस्था करी, दाल चावल सब्जी रोटी और सब बेसन रोटी मंगी हो और खा लिया हो। तीनों देवता बोले, मैया हमार शर्त है, अगर शर्त पूर्ण करो तब तो खाना ठीक है, पहले तुम तिरमाचा भरो। तिरमाचा भरो तब कही दूंगो तिरमाचा, अगर हम तुम्हारे भर का भोजन खाएंगे तो हमारी शर्त यह है कि निसंकोच हम तुम्हारे आंगन में बैठेंगे और तुम हमारे सामने अपने शरीर के सारे कपड़ा उतारो और हमारे सामने नहाओ और तब खाना बनाओ और हम खाना हंसी हंसी खाब और खा के तब तुम्हारे घर से जाब, यह शर्त है। अब अगर यू ना करी हो फंसी हो ना चक्कर, अगर अब ना यू करी हो तो जितना पुण्य आपने किया है वो सारा पुण्य तुम्हारे बेकार।
सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। अरे अतिथि विमुख द्वार से जाई, अरे अतिथि विमुख द्वार से जाई, और जीवन का सब पुण्य नसाई। हमारी शर्ते है, और अगर हम हैं अतिथि, क्यों अतिथि मेहमानम का अंतर है भैया? अतिथि मेहमानम अंतर तो हम कई बार बताए हैं। अतिथि का मतलब जी की कोई तिथि ना हो, 12 बजे 11 बजे अटंडम आपके दरवाजे पर आ जाए, वो है अतिथि। और मेहमान कौन हुआ है? मेहमान आ जैसे दीदी हैं, जीजा हैं, फूफू हैं, फूफा हैं, अमौसियाँ हैं, अभी हैं, वही हैं, आए ये जब लगे लगाए वाले नाथ रिश्तेदार यदा कदा कबो कबो आवा करें, ई आए मेहमान। मेहमान भूखा चलागा पाप न लागी, अतिथि भूखा चलागा आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा, जीवन का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए मेहमान भूखा चला जाए तो सोच मत करना, और अतिथि में भूखा चला जाए तो उसे सोच लेना। अब ये नहीं समझ में आओ, अब होली आ रही, देखो एक होते पिचिक्का, एक होते पिड़किया, एक होते गोझिया। तब पिचिक्का तो अत्ते लोग हैं, मैं कोई खावा नहीं हुई, खाली दो चार बूढ़े दादा हो खी हुई हैं। पिचिक्का होता था ना भारी क्या रहा, नहा मुँह से भरेगा है नहीं, पिचिक्का वईका कहते हैं जी, मां गुड़ सोट भरा जाए है नहीं, पिचिक्का वईका कहते हैं। और याक होते गोझिया जी, मां शक्कर चिकना, चिकना शक्कर और चिकना खुआवा और शक्कर भरी जाए, वईका कहते हैं गोझिया। और होली में यहाँ बने पिड़किया जी, मां रवा रवा धकियावा हो, कोनो बनाई नहीं है, खाली बकाई नहीं है, आता धर के और बनाया के हम मशीन से ने, अब फुलाई दी नहीं है, ऐसी के चुपकार दे, वैसी चुपका दे, दूरबीन तना झाँको खुआवा कहू होई तो कोने मुहे रवा लाग होई ने पू। हम कहे दादा ऐसे नहीं कही, यू है कि संझा के यहाँ लेके डलवा बैठो सबाई निकोली खाए लियो, झथरा धर दो बाकी बीच करे जो करे सब खा लो बीन बीन। अरे यहाँ को गुझिया पिड़की आए जो दूरबीन तना झाँको, वैसे तो वही पाल ले करण तक देख रहे नगर तक देख पार से झाँको अगर और खुआवा खाए नहीं, वही यहाँ पिड़किया है ना भैया। तो माता अनुसुईया देखो भैया, जब देवताओं ने कहा कि माता अगर हम भूखे चले गए तुम्हारा जीवन का पाप धर्म नष्ट हो जाएगा, तो माता अनुसुईया ने माता अनुसुईया को गुस्सा नहीं ला, जी के दिल में अतनी सहनशीलता होए, वही का धर्म ना बची। कोई आज जमाने में कोई बाबा आवे और दरवाजे पर पहले चिरौरी करे कि हमका खाना चाहिए, वही के बार शर्त रखा हुआ लगे, और शर्त के बाद यूं कहा लगे कि ऐसे करो सब कपड़ा निकालो, नंगी तो है कहे नहाओ, खाना बनाओ, खवाओ, खाब तब जाब। कोई देवी तैयार हो, हम कहे 10 गाँव पता लगा लो, अगर कोई तैयार हो, कोई नहीं तैयार हुई और घर के गुस्सा लागी, कहे रुक जाओ बाबा तेरे हम खरा हरा उठाए लाए, अब है तुम कहा पकौड़ी खवाओ। लाला राम यादव भड़रिया से 100 रुपए दान भगवान से कामना। कोई देवी ना तैयार हुई, लेकिन माता अनुसुईया ने विचार किया कि कैसे बाबा है, बिमलेश भड़रिया से 50 रुपए दान, प्रभु जी रक्षा करें जीवन मंगल में हो। माता अनुसुईया ने विचार किया ये कैसे बाबा हैं जो हमसे उल्टा सीधा इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। माता अनुसुईया ने सोचा कि पहले बाबन पर गुस्सा ही ना, पता नहीं कैसे बाबा हो, पहले इनका अल्ट्रासाउंड कराब, पहले इनकी जांच कराब, जब दवा नहीं लागत है तो कहीं जांच करा लो, बस पता लाग जाए। तो माता अनुसुईया अब जांच करें कैसे, जांच कैसे करें, तो पति की सेवा किया है माता अनुसुईया ने, अंदर गई हो बाबा से बोली महाराज तुम तो ठहरो परदेसी भोजन कराऊंगी, तुम तो ठहरो परदेसी
सुईया ने कहा महात्मा और 101 रुपया सत्यम रामदेन परवा से 101 रुपये दान और 101 रुपया राम समझ भैया भड़रिया से भैया ने 101 रुपये दान किया भगवान से कामना प्रभु ये रक्षा करे। ए भैया माता सुईया ने सोचा पहले बाबर का जमाइश करी, ए महात्मा लोगों मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी तब हूँ गुस्सा नहीं और मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करती हूँ, लेकिन एक काम करो आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा। बाबा लोग बोले 1 मिनट का है, 10 मिनट रुके रहो, जाओ घर जो करते हो तो कहीं कहीं आओ। माता अनसुईया गई तो काम कुछ नहीं किया, अपने पति के चरणों का धोया हुआ चरणामृत रखा था, चरणामृत रखा था, पति के सेवा में ही सारे 3 लोक की शक्ति है, माताओं के लिए पति के सेवा में ही 3 लोक की शक्ति है। लेकिन आज कल माताएं बहने जब आदमी चले लगा तो हम सोचे चलो दुआरे 5 हुए तो गांव भर दिया कहे, अब इनके मनते हैं कि कोठरी में 5 हुआ ले तब बाहर भाव कालमारी चले, और हम कहे दुआरे 5 हो जब निकल गए ना बाहर जबरदस्ती। नरेंद्र भड़रिया से 100 रुपये दान भगवान से कामना। अब हम सोचित बाहर छुए पाए तो जब बाहर निकल तो कहा कहती हिया आओ मारे भागे जाते हिया मारे भागे जाते हैं हम। अब अंदर गए तो मारे हाथ पांव जोड़ लिहन, और जब बाहर निकले जब हम सोचे कुछ बड़ा ही हो तो कहाती जल्दी आ जाए वहां होली के 1 दिन पहले ही आ जाए वहां, नहीं जौन हो तो हो भाई करी हो तिमा गांव के जाने के हाँ फलनिया है तेज तर्रार। और 101,001 रुपया हमारे जगदीश प्रसाद भैया कौन कौन भगत पुरवा से 1,001 रुपये दान भगवान के सदर चढ़ो में दान आया, प्रभु जी रक्षा करे, जीवन मंगल में हो, परमात्मा सुखी रखे। एक बार जयकारा बोलो दानदाताओं के सूची के नाम का, प्रेम कुलो गोविंद भगवान के साचे दरबार की, राम सुचित भैया भड़रिया से 101 रुपये दान आया, प्रभु जी रक्षा करे, जीवन मंगल में हो। भैया तो अब जब ये सोच माता अनसुईया गई तो क्या करती है, कमंडल से जल लाई, 3 देवता खड़े हैं और क्या करती है भैया, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा हो राम राम जैसे माता अनसुईया ने छीटा लगाया एकदम ओ ओ पति परमेश्वराय
जैसे मंत्र पढ़ के अपने पति के चरणों का ध्यान किया, उसी समय भैया वो जो 6.5-6 फुट के रहे बाबा, देखो ऐसा है। माता अनुसुईया ने कहा, पति के चरणों का ध्यान किया, फिर कहा क्या था ये भी समझ लो, कहा था कि हे पति देव, हे परमेश्वर, आप यहाँ नहीं हो, मैं अकेले हूँ, हमका कोई ठगवा आ गया है, ठग गए अभी हमसे, ऐसी वैसी उल्टी बातें कहा थे, अगर नकली हो तो बन जाए, नकली हो तो बिगड़ जाए, और असली हो तो इतना रहे, और जय अभी नकली बाबा रहा करें। जैसे ध्यान किया भगवान के सामने, नकली काम कोई चल नहीं सकत, असली रुकी है, नकली ना रुके है। चंगल खाते हो नहीं खाते, चंगल होते हैं तना मोट कर, और जब मोहिमा दाबो तो असली भर रहेगा, भाषत गायब होगा। जाओ पता लगा कहो तो बताओ है। राम कुमार गुप्ता 51 रुपये दान भगवान से कामना, गांव को बताओ तो गांव बोल दे। भैया तो, अब देखो भैया, माता अनुसुईया ने जैसे पति के चरणों का ध्यान किया, लगाया छीटा, उसी समय भैया क्या होता है मालूम, उसी समय तीनों देवता 6.5-6 महीना के पियाओ पियाओ करे लग डाटा। काहे रोवा तू बाबू, रो ना कन्या ले ले, अरे चुपवा लो मारे। अब है देखो घर है, चलो तुमका आपू पिए चलो। हे भैया, तीनों देवता जैसे 6-6 महीना पियाओ पियाओ करे ला, आज रोवे ला भैया, तो माता सुईया बड़ा खुश हो गई, काला की बनिगा 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 आगे, तो माता अनुसुईया बड़ा गलगल भाई, कहा लगी बनिगा बनिगा बनिगा। ए माता अनुसुईया मार गलगल हो गई, सोने का पालना उठा गई, साधु महात्मा के पास, जिसके घर में भगवान की भक्ति होती, जिसके घर में हरि का भजन किया जाता, उसके घर में। भैया जैसे माता अनुसुईया गई पालना उठा लाई, अब के भैया एक लड़का मारी जो नहीं रुके देते, ये लड़का कहूँ ऐसी कन्याम कहूँ ऐसी कन्याम, मारे हलावट डलौत बंदा ही नहीं हो, और जी के तीन लड़का हो जुड़ी है नेर। भैया बताओ का आराम मिली, कोई की अम्मा का आराम मिली, 24 घंटा कहूँ उनका न हुआ हो, कहूँ इसी करिए वो इसी लटाओ, कहूँ इसी बैठो, कहो दिन भर पाने ले घूमा करो, खाना बनाओ टाइम ही न लगी। लेकिन माताएं हमारी बड़ी होशियार होती, जी का लड़का बहुत खिलैया कनिहारा होते और नहीं छुपवा तो खाना बनाओ तो परवे करी, तो क्या करती है दरवाजा में यहाँ अगर रस्सी डाल के यहाँ और झौवा बांध टांग देती और वह मह लटा देती हो, ये अब जैले झुलवा हाली तले रो ये नहीं। माता सुईया ने यही किया। हे भैया एक पद गाते हैं लोग, माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे थे।